नमस्कार, मैं अनुपम खत्री हाजिर हूं लाइव उत्तराखंड के विशेष कार्यक्रम पड़ताल में। पड़ताल में इस बार हमारे टारगेट पर जो हैं, वो ऐसे गौ सेवक या पशु लवर्स, पशु प्रेमी, एनिमल लवर्स हैं जिन्होंने संस्थाएं या शेल्टर्स बना रखे हैं गौ सेवा या अन्य जानवरों की सेवाओं के नाम पर। इन सेवाओं में मिलने वाले अनुदान की राशि को किस प्रकार इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां क्या स्थिति है उन गायों की, भैंसों की या अन्य जानवरों की जिनको रखा जाता है, और किस तरह से इस पूरे काम को संचालित किया जाता है, एक नजर लाइव उत्तराखंड के कैमरे से। जैसा कि सब जानते हैं, आवारा पशुओं को लेकर उनके रख रखाव और इलाज, लालन आदि के लिए शेल्टर्स बनाए जाते हैं जिनके लिए सरकारी अनुदान का एक सिस्टम है। इसके साथ ही कुछ व्यक्तिगत अनुदान करने वाले लोग भी मौजूद हैं जो पशु प्रेमी कहलाए जाते हैं, और वो अपनी गाड़ी कमाई का एक हिस्सा ऐसे शेल्टर्स और गौ सेवकों को देते हैं। खुले दिल से ये खर्चा होता है और यहीं से शुरुआत होती है एक ऐसे लालच की जो सेवा के नाम से शुरू हुआ है लेकिन रक्षक को भक्षक बना देता है। ऑपरेशन गौ भक्षक। आज के शो में हम ऐसे शेल्डर के बारे में आपको बताएंगे जो जख्मी आवारा पशुओं, खासकर गाय, भैंस और भैंसों को रखकर इलाज करने के लिए बने हैं। इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे दून वेलफेयर सोसाइटी की, जिसने शुरुआत तो आवारा कुत्तों के इलाज से की है, लेकिन फिर रतनपुर एक 3 बीघा में शेल्टर बना लिया और कृष्णा सेवा धाम के नाम से गौ सेवा में लग गए। ऑपरेशन गौ भक्षक में हम सबसे पहले जिस शेल्टर को ले रहे हैं, मैं कुछ उसके बारे में आपको, उसके इतिहास के बारे में बता दूं, उससे परिचित करा दूं। 2014 में अस्तित्व में आई एक एनजीओ जिसे आशु राणा और उनकी पत्नी मिलकर चलाते हैं। उनकी पत्नी शुरुआती दौर से ही पशु प्रेमी कहलाई जाती हैं, जैसा कि समाज उनके बारे में जानता है, और उसके बाद आशु राणा साथ में आते हैं और बनती है दून एनिमल वेलफेयर सोसाइटी। और सड़कों पर आवारा घूमते हुए कुत्तों का, डॉग्स का, ये लोग इलाज करते हैं और दवाइयां बांटते हैं। काफी प्रचार देहरादून में ये विख्यात हैं और काफी फेमस एक एनजीओ है। साथ ही कुछ समय पहले, लगभग 1 से 1.5 साल के अवधि के बीच में, रतनपुर में एक शेल्टर बनाया जाता है। लगभग 3 बीघा जमीन उसकी बताई जा रही है और वहां पे गाय, भैंस आदि की व्यवस्था कर दी जाती है। अब ये कुत्तों से शिफ्ट हो जाते हैं गौ सेवा की तरफ। तो ये जो शेल्टर बना है और यहां जो सेवा दी जा रही है, उसको लेकर एक शिकायत करता है माला मल्होत्रा मिठानी, जिन्होंने चैनल ऑफिस से संपर्क करके कुछ विजुअल्स, कुछ ऑडियोज और कुछ शिकायतें दर्ज करी, जिस पर हमने गहनता से पड़ताल करी। हम बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले मैं चाहूंगा आप शिकायतकर्ता की शिकायत को सुन लें।
जिस दिन कर्फ्यू के टाइम पे हमने एक ब्लैक स्ट्रे डॉग को आशु अरोड़ा की रतनपुर गौशाला में एडमिट किया सर, इतनी क्रूअली इसने बिहेव किया, कोई भी मेडिकेशन नहीं दिया और जो डॉक्टर वहाँ फ्री देखना चाहते थे उन्हें भी मना कर दिया। बहुत ही दुखे हैं क्योंकि 8 से 10 मौतें रोज़ गौ माता की होती हैं। इसके अंदर प्रमाण के तौर के ऊपर कई लोग हैं हमारे ऐसे जिन्होंने अपने बेबस जानवरों को ढूंढने के लिए वहाँ जबरन अटेम्प्ट किया अंदर जाने की, जिसमें श्रीवास्तव जी आते हैं जो कि गौ प्रेमी हैं और बहु गौ माताओं का सेवा करते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों से खुद देखा है कि यहां पर 10 गायें मर रही हैं। ऐसे ही उषा मैडम है जो अंदर गई और उन्होंने देखा कि सड़े हुए कीचड़ के अंदर दबादा एक के ऊपर टांग में जो गौ माता थी वो मरीन दिशा के अंदर थी, कई मरी भी पड़ी हुई थी। और ऐसे हम कई गवाह आपको बता देंगे जिन्होंने अपने प्रत्यक्ष में लाशें देखी हैं। सर ये क्रुएलिटी एक्ट के अंदर प्रॉपर आता है और गौ वंश पालन के रूल्स का उल्लंघन पूरी तरह से ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो जगह नहीं है और चारा ही नहीं है, डॉक्टर ही नहीं है, तो वहाँ पर गाय क्या कर रही है? मरी हुई गाय भी जिंदा गायों के साथ में है। गौ गौशाला के अंदर कीचड़ है, गड्ढे हैं जिसके अंदर पानी और गोबर भरा हुआ है, तो इन्फेक्शन नहीं होगी तो क्या होगी? और वहाँ पर जो बीमार गायें हैं जिनके टांगे कटी हैं करहा रही हैं वो भी कीचड़ में पड़ी हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, चारा ही नहीं है सर, पानी के जो भूसे के डब्बे हैं उनके अंदर ऊपर तक पानी पड़ा हुआ है, कोई भी इनके पास प्रोविंस नहीं है कि वो बारिश में जानवर को कहाँ खड़ा करेंगे, सर्दी के अंदर कहाँ खड़ा करेंगे, अंधेरे के अंदर कोई बल्ब की फैसिलिटी नहीं है। जब वहाँ पे जाया जाता है तो इन्होंने बॉक्सेस रखे हुए हैं वहाँ पर, गौशाला में बॉक्सेस क्या कर रहे हैं इसका हमको समझ में नहीं आया है। ये पूरे के पूरे उल्लंघन है, इनके ऊपर क्रूरता का एक्ट लगना चाहिए, ट्रांसपोर्ट एक्ट लगना चाहिए। छोटी सी गाड़ी के अंदर दबादब हेल्दी जानवरों को भी लाद लाद के ये कहां ले जा रहे हैं? प्लीज इसकी जांच करी जाए और हमारी गौ माताओं को बचाया जाए। शिकायतकर्ता माला एक एक्टर्स और फ्रीलांस जर्नलिस्ट है जिन्होंने हमें कुछ वीडियो भी भेजे। ये वीडियो आरोपी संस्था के शेल्टर के बताए गए हैं। मामला चैनल के संज्ञान में आने के बाद हमने इसमें गहनता से पड़ताल करी और अपने कैमरे से वो सब कुछ कवर किया जो वहाँ उस समय पर उस दिन मौजूद था, सेवा का स्तर, एनजीओ की फाउंडर और बाकी सब कुछ जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। पड़ताल पर ऑपरेशन गौ भक्षक खबर का प्रोमो चलाने के बाद मिली कौर जो एनजीओ की संस्थापक हैं, उनका कमेंट बॉक्स मिला जिसमें उन्होंने हम पर झूठी खबर चलाने और इसके सबूत देने की मांग की। तो मिली जी आप खबर देखते रहिए, हम सबूत सार्वजनिक कर रहे हैं। मामले की पूरी पड़ताल करने के बाद लाइव उत्तराखंड ने सुनिश्चित किया कि इस पर हम आगे और काम करेंगे और सभी गौ सेवकों जितने भी शेल्टर्स बनाए गए हैं उनकी पड़ताल को लेंगे। लेकिन पहले क्रम शुरुआत हुआ दून एनिमल वेलफेयर से। आपको ये विजुअल दिख ही चुके हैं जो हमारे कैमरे ने लिए हैं और आपको वो विजुअल भी दिखाए गए जो माला मैठानी, माला मल्होत्रा मैठानी जी ने हमें भेजे थे। दोनों में क्या फर्क है यह आपको स्वयं दिख रहा होगा कि कितना फर्क है या कितना नहीं। शुक्रवार को पड़ताल का प्रोमो जारी होने के बाद देहरादून का सोशल मीडिया का माहौल गर्मा गया और रविवार को कुछ समाचार पत्रों पर कुछ खबरें प्रकाशित हुई। हम सम्मानित समाचार पत्रों का सम्मान करते हैं पर खबरों की एक झलक आपको अवश्य दिखाते हैं जिनमें हमने समाचार पत्रों के टाइटल को ब्लर कर रखा है। खैर उसके बाद संस्था की संस्थापक जो हैं मिली कौर, उन्होंने हमसे संपर्क किया, मेरे पास ही उनका फोन आया और उन्होंने अपने पक्ष को रखने की बात कही जिसका मैंने भी खुले दिल से स्वागत किया और उनके पक्ष पर कुछ सवाल हमने भी किए। देखिए क्या जवाब है आशु राणा जी का और मिली कौर का इस सारे मामले में।
दून एनिमल वेलफेयर नाम से संस्था हमने 2016 में शुरू करी थी। 2016 से लेके आज 2020 लग गया, लगभग 4 साल हमें हो गए हैं इस काम को करते को। और जो मेरी पार्टनर है मिली कौर, ये लगभग पिछले 12 से 15 सालों से काम कर रही हैं एनिमल्स के लिए। बिल्कुल सर, हमारी उत्तराखंड में भी रजिस्टर्ड है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रजिस्टर्ड है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया में भी हमारी संस्था रजिस्टर्ड है, नगर निगम से भी हम लोग रजिस्टर्ड हैं, हम लोग 100 डायल पर भी रजिस्टर्ड हैं, हम लोग फॉरेस्ट पर भी रजिस्टर्ड हैं। हमारा जो शेल्टर होम है उसमें हम सिर्फ बीमार और घायली जानवर लेते हैं, हम कोई भी मिल्क प्रोडक्शन का एनिमल नहीं लेते हैं। अगर वो बीमार होता है उसे तब भी आश्रय नहीं देते हैं हम लोग। बिल्कुल 100% जो एक्सीडेंटल हैं, घायल हैं, पहाड़ से गिर गए, गाड़ी चढ़ गई, जो बिल्कुल एक्सीडेंटल हैं उसी तरह के जानवरों को रखते हैं। जो अधमरी सिचुएशन में हमारे पास आते हैं, सड़े गले टूटे फूटे, ऐसे ही जानवरों को हम आश्रय देते हैं। बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन है, गवर्नमेंट आए हमारी जांच करे, जिस भी डिपार्टमेंट को हमारी जांच करनी है वो हमारी जांच करे। अगर हम गलत पाए जाते हैं तो हमें सजा होनी चाहिए, और अगर हम सही पाए जाते हैं तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा हम लोग अगले एक महीने के बाद में पूरे देहरादून की जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं हम सारी संस्थाएं मिलकर अपने शटर डाउन करेंगी, और शहर में एक भी जानवर का ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगी, क्योंकि इस तरह से समाज के लिए हमारा काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम सब इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, और शहर में एक भी जानवर का ट्रीटमेंट नहीं होगा। अगर आरोप मेरी संस्था पर लग रहे हैं तो पूरे शहर में इलाज करने वाले उनके पास डिप्लोमा तो छोड़िए, उनके पास तो एक्सपीरियंस भी नहीं है काम करने का। उनको तो ये भी नहीं पता कि जिस इंजेक्शन को वो सड़क पर लगा के हैं उसमें क्या सॉल्ट होते हैं। तो जो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा हम पूरे शहर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, हम किसी को भी अब काम नहीं करने देंगे। हम गवर्नमेंट डॉक्टर आता है वो आके स्टैंप लगा के जाता है, सिग्नेचर करके जाता है, उनके पास रिकॉर्ड है, हर महीने मेरे यहाँ एनिमल्स की काउंटिंग होती है, इसका मतलब वो गवर्नमेंट डॉक्टर भी फ्रॉड है। इस तरह की एक दिक्कतें तो काफ़ी हैं, अभी भी हम लोगों के खिलाफ कई ऐसे झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं जो कि हम लोगों ने आज तक कभी करने के लिए सोचा भी नहीं। इन सब आरोपों के खिलाफ हम लोगों ने SSP साहब को भी एक ज्ञापन दिया था कि मेरे को इस तरह के मैसेज आ रहे हैं कि आई विल नॉट लीव यू, मतलब मुझे छोड़ेगा नहीं जो भी मेरे को ब्लैकमेल कर रहा है। तो मुझे अपनी जान का, मेरी फैमिली की जान का, और मैं अभी इस समय 3 महीने की प्रेग्नेंट हूँ, तो मेरे को मेरे अपने बच्चे की भी जान का खतरा है। जी, तो आपने आशु राणा और मिली दोनों को सुना। संस्था के संस्थापक आशु राणा जी ने इस सारे मामले में खुद को मासूम बताया है। उन्होंने कहा है कि हम जी जान से लगन से पूरी तरह से सेवा करते हैं, और साथ ही कुछ लोगों पर जिनका उन्होंने नाम नहीं लिया ब्लैकमेल करने का, उन्हें साजिशन बदनाम करने का इल्जाम लगाया है, कुछ लोगों के द्वारा ब्लैकमेल करने का और साजिशन बदनाम करने का इल्जाम लगाया है, और साथ ही एक धमकी भी दी है कि यदि ये सब ना रुका गया तो मैं अपना तो सही, पूरे देहरादून का या उत्तराखंड का जो वो कहना चाह रहे होंगे, या सेंट्रल का, क्योंकि वो तो केंद्र से भी रजिस्टर्ड हैं तो पहुंच हो सकता है काफी बड़ी हो उनकी, तो सारे काम मैं बंद करा दूंगा और गाय जानवर साफ सड़कों पे खुले घूमेंगे और लोग मुसीबत झेलेंगे, विभाग भी दर दर ठोकरे खाएगा, मतलब जो भी होगा उनका इन सब के पीछे, तो मैं ये सब कुछ बंद करा दूंगा। तो आशु जी, आप आंदोलन कीजिए, किसी ने नहीं रोका है, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने की आजादी है, तरीका किसका क्या हो ये उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आपको मैं एक बात कह दूं कि आप गौ सेवा से बने हैं, गाय आपसे नहीं बनी, गौ हमारी माता है और सनातन धर्म में पूजी जाती है, इस बारे में आपको सनद रहना चाहिए। तो अब आशु जी, आपने अपनी बात कह दी, मिली जी ने भी कही, संस्था ने अपना पक्ष रखा, जिसका मैंने बहुत दिल से स्वागत किया, पूरे हमारे चैनल स्वागत करता है। ये एक बहुत अच्छी बात है कि कभी भी किसी पे आरोप लगे तो उसे सामने आना चाहिए अपने पक्ष को रखने के लिए, एक पक्षी खबर कभी खबर नहीं होती। लेकिन अब मैं इस NGO को कुछ बातें सुनाना और दिखाना चाहता हूं, साथ में आप लोग भी सुनिए, क्योंकि हमसे सबूत मांगे गए थे। लीजिए। मेरा नाम अनीता शर्मा, मैं एक स्कूल में प्रधानाचार्य हूँ और देहरादून से बिलोंग करती हूँ। यहीं मेरा एजुकेशन हुआ है और यहीं मैं काम करती आ रही हूँ। मिली कौर तो मेरी स्टूडेंट रह चुकी है एक स्कूल में, मैं स्कूल का नाम यहाँ नहीं बताना चाहूँगी, और मैं उसको बचपन से जानती हूँ, जब वो छोटी सी थी तब से मैं देख रही हूँ उसको। तो मैंने ये देखा था कि वो जानवरों को प्यार करती है, जानवरों से उसे प्रेम है, और उसने मुझसे कहा भी था कि मैंने अपने घर में इतने सारे कुत्ते रखे हैं, सच में उसके घर में, उसके मायके में मैंने देखा कुत्ते थे, वो कुत्तों को प्यार करती रही है वो।
बाद में उसने आशु के साथ मिलकर ये दून एनिमल वेलफेयर बनाया। अनुदान के मामले में आपका क्या अनुभव है? मेरा अनुभव अच्छा नहीं रहा इस बारे में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुदान मैं अपने आप से तो नहीं दे पाई हूँ, क्योंकि मैं अपना परिवार भी चलाती हूँ। तो जितना उसी में से जितना हिस्सा मुझसे निकलता है, उसमें मोटा हिस्सा भी मैंने निकाल के दिया है जानवरों के लिए। लेकिन मेरी जो इच्छा थी कि गायों की सेवा हो बहुत अच्छी तरह से, और कुत्ते जो घायल मिलते हैं जिनका कोई घर नहीं है उनको रखा जाए, तो यहाँ मुझे निराशा मिली है कि ये शेल्टर के लिए काम कर रहे हैं। जितना जोश खरोश इनमें दिखाई दिया था बिल्कुल उल्टा दिखाई दिया मुझे उसमें जरा भी। अभी भी मैं देख रही हूँ कि दो चार और शेल्टर्स हैं जो फेसबुक पे मेरे साथ जुड़े हैं। मैं चाहूँगी भगवान उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो अच्छा काम कर रहे हों। दून एनिमल वेलफेयर के साथ मैं बहुत शुरू से जुड़ी थी ये सोच करके कि कम से कम देहरादून में एक ऐसी संस्था आई है जो बेघर जानवर या घायल जानवरों की सेवा करेगी। शुरू में तो मुझे बहुत खुद बहुत अच्छा लगता था कि भाई ये जानवरों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे समझ में ये आया कि इन्होंने ये बताया है कि पैसों की कमी की वजह से हम दवाइयाँ नहीं ला पाते, पैसों की वजह से हमारा शेल्टर पूरा नहीं है, जानवरों के लिए चारा आदि पूरा नहीं है। तो फिर मुझे तो ऐसा लगा कि इनकी रुचि तो अनुदान लेने में ज़्यादा और इनकी सेवा करने में कम है, तो मैंने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि मैंने इनकी बहुत मदद की और लोगों से भी करवाई मदद। ओम नमस्ते। नगर निगम के लिए मुझे कुछ बोलना है और 23 दिसंबर की बात है। हम एक काले रंग के सांड को हम रेस्क्यू कर रहे थे, ठीक है, हम लोग मिलकर रेस्क्यू कर रहे थे कुछ एनिमल लवर्स, और काफ़ी कहने के बाद पार्षद से मिलकर आशीर्वाद एनक्लेव से हमने 23 दिसंबर को वो बच्चा उठवाया था। और मैंने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हैं, तो इन्होंने बोला था कि हम इसको कृष्णधाम गौशाला ले जा रहे हैं। फिर मैंने कृष्णधाम गौशाला के भूपी को कॉल की, तो उन्होंने मुझे किसी और का नंबर दे दिया कि इस नंबर पर कॉल करो, ये बताएगा, मैं तो गौशाला नहीं जाता हूँ। फिर मैंने उस नंबर पर कॉल की तो उन्होंने पिक नहीं की जिसका भी नंबर था। फिर मैंने अपने ही किसी एनिमल लवर को जानते हैं जो उस कृष्णधाम गौशाला में भेजा, फ़ोटो के साथ भेजा, उस दिन की फ़ोटोज़ भी दी मैंने, उनका पूरा दिखा रखा था किस तरह से ले गए वो, उठाया ले गए। तो मैंने बोला कि भाई ये वाला सांड ढूंढ दो, तो उन्होंने हरिओम आश्रम में भी ढूंढा, कृष्णधाम गौशाला में भी वो गए, लेकिन कृष्णधाम गौशाला के अंदर ही के लड़कों ने दिखाया और बोला कि भाई यहाँ पे ऐसा कोई सांड आया नहीं जिसके पैनिस में इतनी प्रॉब्लम हो। उसके पैनिस में मैगट्स पड़ गए थे, बहुत मोटा हो गया था, उसकी पूरी बॉडी पर भी पिस्सू थे। वो तो हमने बोलस बोलस खिला दिया था सर से, डॉक्टर वेट से मिलकर, तो वो आज तक वो सांड नहीं मिला, हमें नहीं पता कहाँ है। और हमें बस ये बताया गया कि जी गाय होती हैं तो कांजी हाउस में रखी जाती हैं और सांड तो हरिओम आश्रम या कृष्णधाम गौशाला या सेलाकुई में पहुंचा दिए जाते हैं। तो आज तक वो सांड नहीं मिला, मुझे कहीं नहीं मिला, ना कभी वो आशीर्वाद एनक्लेव में फिर से दिखा। तो आपने एक बाइट सुनी अनीता जी की। अनीता जी वो महिला हैं जिनके जिनको ये फाउंडर मेंबर के रूप में संबोधित करते हैं, लीगल पेपर्स में ये कहीं नहीं, और शुरुआती दौर से इनके साथ है। तो इतनी पुरानी महिला की बाइट जिसमें वो कह रही हैं खुद से कि मैं इनके कामों से संतुष्ट नहीं हूं, पहले ये किया करते थे, तो ये सोचने लायक बात है, कहीं कुछ गलती या कहीं कुछ कमी जरूर है। और वैसे भी दून वेलफेयर वालों को एक बात समझनी होगी, धुआं वहीं उठता है जनाब जहां आग लगी हो, और धुआं तेजी से उठ भी रहा है। आशु राणा जी, इस तरह के स्मार्ट मूव जो आपने चले हैं, जो हमने देखे प्रोमो जारी होने के बाद अलग 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 भाषाओं में, इंग्लिश में, उर्दू में, हिंदी में अचानक से खबरें आ जाना, ठीक है आपने अपना पक्ष रखा होगा, लेकिन ये एक इत्तेफाक अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ शायद ही इत्तेफाक कह सकता हूं। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि लाइव उत्तराखंड या अनुपम खत्री ना तो कभी साजिश रचता है और ना कभी साजिशों का साथ देता है। हम वही बात कहते हैं जो पड़ताल में हमारा कैमरा रिकॉर्ड करता है और देखता है। हमारे कैमरे ने देखा कि वहां हाल बुरा है, जगह से ज्यादा गाय है, माना कि कोर्ट के आदेश हैं सेल्टर्स में भेजा जाए जख्मी जानवरों को, लेकिन आपके यहां तो सेहतमंद जख्मी सभी आ जाते हैं, और आने के बाद वो कहां जाते हैं? क्या वो सही हो के वापिस अपने किसी
अच्छे स्थान पे पहुंचते हैं, और अगर वो मर जाते हैं तो उनका दाह संस्कार कहाँ किया जाता है, वो लाशें कहाँ जाती हैं। बहुत सारे सवाल अभी बकाया है, बहुत सारी बातें अभी भी छूटी हैं, इस एक एपिसोड में कवर नहीं की जा सकती। इसीलिए जल्दी हम बृहस्पतिवार को फिर मिलेंगे ऑपरेशन गौ भक्षक की अगली कड़ी में, कुछ और सवालों के साथ, कुछ और बातों के साथ, कुछ और सबूतों के साथ, कुछ और बातों के साथ, कुछ और सवालों के साथ, कुछ और जवाबों के साथ, और कुछ और सबूतों के साथ। जुड़े रहिए तब तक, और देखते रहिए उत्तराखंड का आपका अपना चैनल लाइव उत्तराखंड। नमस्कार।